गाय रिक्शा वाली। वीरपुर गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास दो बैलों का एक जोड़ा था। अपने घर की आमदनी को पूरा करने के लिए वो उन बैलों में रिक्शा लगाकर चलाता था और उससे वो जो भी कमाई करता उसी से उसका घर चलता था। लेकिन कुछ समय से आर्थिक तंगी के कारण वो उन बैलों का ख्याल नहीं रख पा रहा था। इसी के चलते उसने बैलों को बेचने का सोचा। प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम सुरेंद्र, तुम इन बैलों को क्यों बेचना चाहते हो? इन्हीं बैलों के कारण तो तुम्हारा काम चलता है। आर्थिक तंगी के कारण मैं इन बैलों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ और घर में मेरी बीवी बच्चे भी हैं जिन्हें पालना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ये बैल दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हैं। मजबूरन मुझे इन्हें बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें ही मेरा भला है। ठीक है सुरेंद्र, जैसा तुम उचित समझो। सुरेंद्र मजबूरी में उन बैलों को बेच तो आता है, पर अब उसे हर रोज ये चिंता सताती है कि उसके आगे का काम कैसे होगा। वो बैल गाड़ी ही उसका एकमात्र कमाने का जरिया थी। एक दिन वो बाजार की ओर जा रहा था, तभी उससे मनीष नामक आदमी टकराया। सभी गांव वाले मनीष को बहुत लालची समझते थे और उसके बारे में ये बात चर्चित थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर सुरेंद्र बहुत ही शांत, साधारण और ईमानदार स्वभाव का आदमी था। अरे भाई मनीष, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, मेरी गाय दूध बहुत कम देने लगी है और मुझे कुछ पैसे की भी आवश्यकता है, इसलिए शहर की तरफ कुछ ग्राहकों की तलाश में जा रहा हूँ। मैंने अपने बैलों को भी अभी बेचा है, मेरे पास कुछ रुपए हैं। क्या तुम अपनी गाय को मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं। मनीष मन ही मन खुश हो जाता है। मुझे अपनी बीमार गाय को बेचने के लिए इससे अधिक बेवकूफ इंसान और कोई नहीं मिला। यह है मेरी बात का आसानी से यकीन कर लेगा और मेरी गाय के बदले अच्छे दाम भी देगा। भाई तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो तुम्हारे घर चलकर उस गाय को देखाते हैं। ठीक है चलते हैं। ऐसे ये दोनों मनीष की घर की ओर चल पड़ते हैं। मनीष के घर जाकर मनीष सुरेंद्र को अपनी गाय दिखाता है। सुरेंद्र को वो सफेद कलर की छोटी गाय बहुत पसंद आती है और सुरेंद्र उसे खरीदने के लिए राजी हो जाता है। ये सुनकर मनीष झटपट काम निपटाने के चक्कर में गाय खोलकर सुरेंद्र के हाथ में पकड़ा देता है और सुरेंद्र खुश होकर गाय को लेकर चल पड़ता है। परंतु जब सुरेंद्र उस गाय को घर ले जा रहा होता है, वो देखता है कि ये गाय तो बड़े आराम आराम से चल रही है और उससे चला भी नहीं जा रहा। ये सोचकर सुरेंद्र सोच में पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि ये मनीष की एक चालाकी है। ये मनीष की एक चालाकी है। लेकिन अपने दयालु भाव के चलते वो गाय को घर ले आता है और सोचता है कि उसकी देखभाल अच्छे से करेगा। घर जाकर सुरेंद्र सीता को आवाज लगाता है। सीता देखो मैं क्या लाया हूँ। ये आवाज सुनकर सीता दौड़ी हुई आती है। उस रात सीता और सुरेंद्र दोनों को ही देर रात तक नींद नहीं आती। ये सोचते हैं कि कहीं उन्होंने ये गाय खरीद कर कोई गलती तो नहीं कर दी। सुरेंद्र और सीता दोनों ही ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं और वो दोनों ही बहुत सीधे साधे होते हैं। वो इस बात को स्वीकार कर उस गाय का नाम मुन्नी रख देते हैं। सीता कैसी हो तुम बोल कैसे सकती हो? सीता गाय को चारा डालने जाती है तो वो क्या देखती है कि वो गाय तो बोल रही है। इंसानों की तरह ही सीता से बातें करने लगती है। सीता इसको ईश्वर का कोई संदेश समझती है। सीता समझ जाती है कि मुन्नी कोई भी साधारण गाय नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई संदेश है। सीता इस बात से बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जल्द से जल्द जाकर ये बात सुरेंद्र को बताती है और जब सुरेंद्र ये बात सुनता है तो चौंक पड़ता है। मुन्नी कोई भी साधारण गाय नहीं है, वो बोल सकती है।
वो उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो पाते हैं कि उसी गाय में कई बैलों से भी ज्यादा ताकत आ गई है और वो पहले से बहुत स्वस्थ भी हो गई थी। तो अब सुरेंद्र अपने पुराने काम को याद करते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस गाय पर ही अपनी रिक्शा को बांध कर देखें? मुन्नी सुरेंद्र और सीता के अनुमान से ज्यादा ताकतवर होती है और लगभग सभी सामान अपने ऊपर लादकर सभी गांव वालों की सहायता करती है। अब सुरेंद्र और सीता को दोनों तरफ से लाभ होता है। वो इससे दूध भी लेते हैं और साथ ही साथ बैलगाड़ी वाला काम भी करते हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही होती है कि इसी बात की भनक मनीष को लग जाती है। तब उसे पता लगता है कि वही गाय जो उसने सुरेंद्र को दी थी इतना सब कर रही है, तो उसके मन में फिर से लालच जाग जाता है। मुझे क्या पता था कि ये गाय इतने काम की है। लालच के कारण जब मनीष को ये बात पता लगती है तो वो एक दिन सवेरे गाय को खोल ले जाता है जब सीता और सुरेंद्र दोनों सोए हुए होते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये गाय एक दैव्य गाय है, और जब वो अपने घर जाकर उसे बांधने की कोशिश करता है तो वो गाय उसे बंधती ही नहीं है और अचानक से बोल पड़ती है। ये सुनकर मनीष डर जाता है कि ये गाय कैसे बोल सकती है। तुमने मेरी कभी भी सेवा नहीं की। सुरेंद्र और सीता दोनों ही इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे मेरी बीमार अवस्था में भी खाना खिलाया और मेरी खूब सेवा की, जिससे आज मैं फिर से चल पा रही हूँ। मैं तुम जैसे लालची इंसान के घर नहीं रहूंगी। मनीष घबरा जाता है और वो उस गाय की आवाज को दबाने के लिए उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। मनीष मुन्नी को अपने घर जाकर बांध लेता है। इस बात से मुन्नी बहुत ज्यादा दुखी होती है। अगले दिन सुबह जब सीता उठती है और देखती है कि मुन्नी अपनी जगह पर नहीं है तो वो बहुत घबरा जाती है और जाकर सुरेंद्र को उठा देती है। सुरेंद्र को सब समझ आ जाता है कि वो उसी लालची मनीष का काम है। मुन्नी अपनी जगह पर नहीं है। मुझे पता है ये किसका काम है। किसका है? ये काम अवश्य ही मनीष का ही किया है, जिससे मैं इस गाय को लाया था। उसे ऐसा करके क्या मिल जाएगा? पता तो है कि मनीष कितना लालची आदमी है। मैंने एक उससे ये ली थी और अब ये गाय हमारा कितना फायदा कर रही है, ये बात मनीष को तनिक भी पच नहीं रही होगी। इसीलिए उसने गाय को रात में चुराने का प्रयास किया है। सुरेंद्र और सीता मनीष के घर चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर वो सबसे पहले अपनी गाय को बंधित अवस्था में देखते हैं। ये देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और सुरेंद्र का खून खौलने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मुन्नी को हाथ लगाने की? मुन्नी सीता और सुरेंद्र को देखकर खुश हो जाती है और वो मुन्नी को बंधन से आजाद कर देते हैं। उसके बाद मुन्नी मुनीष को ये श्राप देती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जैसा लालची इंसान हमेशा एक भिखारी बनकर रह जाएगा। तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं है। तुम एक लालची इंसान हो, इसी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। और इतना कहकर मुन्नी उसे हमेशा के लिए एक भिखारी बना देती है। मनीष को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सीता मुन्नी को प्रेम से गले लगा लेती है और सुरेंद्र उसे खूंटी से खोलकर अपने घर की तरफ ले चलता है। इसके बाद दोनों गाय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें मनीष की तरह लालची नहीं होना चाहिए। लालच अक्सर बुराई की कार्यों की तरफ ले जाता है, बल्कि हमें सीता वो सुरेंद्र की तरह ईमानदार व दयालु होना चाहिए, जो हर अवस्था में हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहे। लालची व बुरे इंसानों का अंत भी बेकार होता है और अच्छे इंसानों के साथ ईश्वर स्वयं होते हैं।